पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एसएस लॉ कॉलेज की एलएलएम छात्रा को बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे एसआईटी ने रंगदारी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद एसआईटी उसको चौक कोतवाली ले गई, वहां से उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद एसआईटी छात्रा को लेकर कोर्ट पहुंची। सीजेएम के छुट्टी पर होने के कारण एसजेएम कोर्ट में छात्रा को पेश किया है। कोर्ट ने छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद छात्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। छात्रा की ओर से गिरफ्तारी पर रोक को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में अर्जी दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए उचित कोर्ट में अपील करने को कहा था। सोमवार देर रात छात्रा पिता के साथ प्रयागराज से वापस घर पहुंची थी। मंगलवार को करीब 11 बजे छात्रा के वकील अनुप त्रिवेदी और अनित त्रिवेदी की ओर से छात्रा की अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। उनके अनुपस्थिति में प्रभारी जिला जज एडीजे प्रथम सुधीर कुमार की कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जहां छात्रा के अधिवक्ताओं ने इस मामले में एसआईटी के केस डायरी तथा अन्य साक्ष्य की मांग की। दोनों पक्षों के वकीलों में करीब आधा घंटा तक बहस हुआ और एडीजे सुधीर कुमार ने 26 सितंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख नियत की है। साथ ही एसआईटी को संबंधित साक्ष्य कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।